नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो समर्पित है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं या डायबिटीज की दहलीज पर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन फलों को शामिल करना चाह रहे हैं या समस्त फलों को शामिल करना चाह रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे किन किन फलों को डायबिटिक पेशेंट आसानी से सेवन कर सकते हैं, या ऐसे फल जिनको कम मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए, या ऐसे फल जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए। तो दोस्तों, आज जानने की कोशिश करेंगे उन समस्त फलों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे साझा करना चाहूंगा। हर वीडियो में मैं एक चीज का जिक्र करता हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। तो दोस्तों, उन लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए या उनको जानना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप में क्या चीज है, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं, मध्यम श्रेणी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं या उच्च श्रेणी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, किनको उनको अपने आहार में शामिल करना चाहिए, किनको मध्यम श्रेणी में करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए, इसका सीधा संबंध होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों एक तरह से एक ऐसी तालिका बनाई हुई है किसी भी खाद्य सामग्री को लेकर जो डिपेंड करती है उसके शुगर कंटेंट को लेकर कि वो किस तरह से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगी। दोस्तों, जितनी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं हैं जिसकी रेंज पाई जाती है, वैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज की बात करूँ 0 से 100 तक है, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। 0 से 50 वाली कैटेगरी वाली वस्तुएं जो होंगी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं, 50 से लेके 70 तक की जितनी वस्तुएं हैं वो मध्यम श्रेणी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं हैं, और 70 से 100 तक की रेंज वाली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं हैं। तो जो बात कर रहा था हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं जिनकी रेंज 70 से 100 होती है, डायबिटिक पेशेंट को या डायबिटीज की दहलीज पर जो लोग हैं उनको अपने खाने से हटा देना चाहिए, उनको अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। और जो मध्यम श्रेणी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं हैं यानी कि 50 से लेकर 70 तक की, उनका सेवन करना चाहिए, कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, अपने डॉक्टर से परामर्श के अनुसार ही उनका सेवन करना चाहिए। और जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुएं हैं जो 0 से 50 तक की आएंगी उनका आसानी से आप सेवन कर सकते हैं, वो कहीं भी आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएंगी। दोस्तों, तो इसी क्रम में फ्रूट्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जिनको डायबिटिक पेशेंट आसानी से सेवन कर सकते हैं उनमें बात करें संतरे की, सेब, नाशपाती, आड़ू, जामुन या जितनी अन्य बेरी है, चाहे उसमें स्ट्रॉबेरी हो, ब्लैकबेरी हो, रेसबेरी हो, उनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। एक चकोतरा के नाम से ग्रेप फ्रूट जिसको बोलते हैं, चकोतरे का आप सेवन कर सकते हैं, खुमानी का आप सेवन कर सकते हैं, और कम पकावा केला या कम पकावा आम, ये अपने आप में 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे जैसे ये पकते जाते हैं, ज़्यादा पकेंगे केला तो उसका कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। ऐसे ही आम के साथ है, जैसे ही ये मध्यम श्रेणी से ऊपर जाएगा, ज़्यादा पके होने की स्थिति में जाएगा, इसका शुगर कंटेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। अगर कम पके स्थिति में है तो आप उनका सेवन कर सकते हैं, कम मात्रा में सेवन कर सकते हैं, और इनमें जितने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्यम श्रेणी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स, फल जिनका आपको सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इनका सेवन करना चाहिए। इनमें सबसे पहले अगर बात करें, जैसे मैंने पीछे बताया, ज़्यादा पकावा केला या ज़्यादा पकावा आम, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप बढ़ के ये पहुंच जाता है 60 के आसपास, जो आपको ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, एक मध्यम मात्रा में बढ़ाएगा। अगर आप इनका ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको इनसे नुकसान हो सकता है। अन्य फलों की बात करें, इसमें आप लीची को शामिल कर लीजिए, अनार को शामिल कर लीजिए, अनानास को शामिल कर लीजिए, पपीते को शामिल कर लीजिए, ये कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं जो अपने आप में मध्यम श्रेणी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इनके सेवन करने से पहले या तो सीमित मात्रा में करें, कम मात्रा में करें, स्वास्थ्य लाभ लें इसका, और अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें इनके बारे में। अब बात करते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स की जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसमें खरबूजा आता है, तरबूज आता है, और खजूर आता है, या किशमिश जिसको कह दीजिए, मतलब किशमिश जो अंगूर का ही एक रूप है, उसको सुखाने के बाद तैयार किया जाता है। इनका अपने आप पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर पहुंच जाता है। आपको इनका सेवन कम मात्रा में या डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए या इनको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों,
वैसे अगर आप देखें नेचुरल फ्रूट्स हैं इनका 70 के आसपास, मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया आपको 70-75 कुछ इतना इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। अन्य जितने भी स्वीटनेस हैं, चाहे आप कोई भी मिठाई हो जो हलवाई की दुकान पे बनती है, आप उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा और वो डायरेक्ट आपके शुगर को बढ़ाएगा। ये नेचुरल वे में कार्बोहाइड्रेट है, इनमें फाइबर भी है, इनमें विटामिन्स भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो तमाम तरह से आपको फ़ायदा देती हैं। तो दोस्तों इस आधार पर आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, और जो मध्यम श्रेणी वाले हैं जिसमें तमाम तरह के अच्छे फ्रूट्स हैं, उनका सेवन कम मात्रा में करते हुए, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करते हुए, उनका स्वास्थ्य लाभ, उनके विटामिन्स मिनरल्स का स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप भी कोई फ्रूट्स को लेकर, किसी फ्रूट्स को लेकर कोई स्पेशल क्वेश्चन हो आपके मन में, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस पर तैयार कर सकूं और आपकी जो शंकाएं हैं या जो आपको क्वेरीज हैं उनका समाधान या उनके बारे में आपको बता सकूं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।